चाय क्यों पी रहे हैं आप? चाय चाय पी सकते हैं नहीं आप? व्रत व्रत किसके नाम कर रखा है और किसके नाम, और कौन तोड़ेगा आपका व्रत, ये भी बताएं हमारी ऑडियंस को। तोड़ने वाली तो शाम को मेरा इंतजार कर रही है हड्डियां और यहाँ पे मिल रहा है घोटा, जिसके लिए हम लोग आए हैं लेके अपना लोटा। क्यों जी? हाँ जी सर, पक्का लेनी आज? नमस्कार जी सभी को, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और व्लॉग में। आशीष के व्लॉग्स पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो यार गाइज, उस दिन आपने देखा होगा कि मैं ना जो सेप्टिक टैंक है उसकी खुदाई कर रहा था, वो तो बन के तैयार हो चुका है। तो अभी पिछले एक दो दिन तो ना कंटिन्यूसली बारिश थी और बर्फबारी और ओले ऐसे गंदे पड़े पूछो मत। तो मैं निकल गया था कुल्लू क्योंकि थोड़ा सा काम था मुझे। तो आज देखिए खिली खिली धूप है और मिस्त्री साहब का फ़ोन भी आया था, बोला मैं पहुँच चुका हूँ तो आ जाओ। तो चलिए यार चलते हैं कुल्लू से। वैसे मुझे लिफ्ट मिली है ना, और मैं पहुंचा सीधा घर। तो चलो अब सीधा घर पहुंच के मिलता हूँ यार, क्योंकि धूप इस साइड से आ रही है ना, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है, क्योंकि जाना मुझे उस गली है उस दिशा में। तो ठीक है यार, मिलते हैं सीधा घर पे अब। तो गाइस यार अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और अपने कार्य पे लग चुका हूँ, मसाला बनाने का और ये जितने भी हैं पत्थर वगैरह देने का। तो यहाँ पर हमारे मिस्त्री साहब लगे हैं दोनों। हाँ जी मिस्त्री साहब, हाँ जी, हाथ हिला दो कैमरे को देख के। ठीक है। तो चलो यार गाइस काम करते हैं ना, बातें बातें होती रहेंगी। तो गाइस आज है डे टू और पिछले कल मिस्त्री साहब जो थे ना वो तो काम करके चले गए थे कि काम बहुत ज्यादा था और शाम को बारिश भी आ गई तो मैं शूट नहीं कर पाया। आज है डे टू तो सीधा काम पे चलते हैं, क्योंकि आज है हमारे पास बजरी वगैरह ढोने को ना। मिस्त्री साहब ने बोल दिया था कि बोला मेरे आने से पहले तुमको बजरी वगैरह ढोनी है। तो मेरे साथ आए यहाँ पे साहिल और गौरव, ये देखिए। तो चलो यार बजरी ढोने का आनंद लेते हैं। और वैसे कमर में थोड़ी सी दर्द है यार, फिर भी चलो ढोना तो पड़ेगा ही। तेरी ले ब्रो, लग जाओ काम पे भाई। हाँ जी ऋतिका जी, कैसा लग रहा है आपको? मजा, पहली बार आप काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज ये लोग तो ढो रहे हैं ना तब तक, और परे जो है अपने ताऊजी हैं जिनका स्पैन है उन्होंने लोड कर दिया, तो मेरे को यहाँ से चलानी पड़ेगी बहुत सारी बोरियाँ। मैं जरा चला चला के रखता हूँ ना यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ढोएंगे सीधा घर की ओर। तो चलो यार चलाते हैं, स्पैन है ना, चलाती वक्त क्या शूट करना के यार। अभी आपने देखा होगा अभी मैं बजरी ढो रहा था, एकदम से मैं अचानक कुल्लू पहुँच गया, क्योंकि मैंने ना फटाफट बजरी ढोई और एक ही जीप थी उसको जल्द से ढोया। उसके बाद मेरे पास टाइम था बचा, मैंने सोचा चलो यार कुल्लू जाते हैं शिवरात्रि देख के आते हैं। और मुझे यहाँ पे देखो कौन मिले, मेरे बचपन के यार जेशु जी। चलो दिखाते हैं आपको, चलो दिखाते हैं आपको ना कुल्लू में किस तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है। और ये देखिए गाइस यार यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये है कुल्लू का भूतनाथ मंदिर जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस कुल्लू टाउन में है ना। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग, कईयों का व्रत है, कई फल वगैरह ले रहे हैं यहाँ से अपना व्रत तोड़ने के लिए। और यहाँ पे मिल रहा है घोटा, जिसके लिए हम लोग आए हैं लेके अपना लोटा। क्यों जी? हाँ जी सर, पक्का लेनी आज? चलो यार गाइस दर्शन करने के लिए, चलो हम दर्शन करेंगे फिर घोटे के, दर्शन नहीं कराएंगे आपको, सिर्फ कुछ ही करेंगे इसके भी दर्शन। और यहाँ पे लगी है गाइस श्रद्धालुओं की भीड़, यहाँ देखिए कितनी लंबी भीड़ लगी है। ये तो चलो सुबह से मैं काम कर रहा था ना, तब को तो पता नहीं कहाँ तक ही होती है भीड़। ये देखिए बहुत ही लंबी भीड़, बहुत ही ज़्यादा। ओ वीडियो बना यार, अरे यार बन रहा आपका वीडियो बन रहा है। आपका भी व्रत है क्या? व्रत है आपका? ओके ये देखिए, और आगे लगा हुआ है म्यूजिक सिस्टम। माय गॉड क्राउड देखो यार गाइस, बहुत ही ज्यादा क्राउड है आज। गाइस ये है मंदिर के साथ का व्यू, और मंदिर जो है ना भूतनाथ मंदिर हमारा कुल्लू का, यह है नदी के बिल्कुल साथ सटा हुआ। और गाइस मंदिर के साथ में ही है यहाँ पर शमशान घाट। तो कुल्लू में अगर कोई भी कैजुअल्टी होती है, मिसहैपनिंग सॉरी होती है, तो यहाँ पे ही लाई जाती है, तो मंदिर के साथ ही है ये। तो गाइस यहाँ पे मंदिर कमेटी वाले हैं, जितना भी जो प्रसाद यहाँ पे चढ़ावा चढ़ रहा है तो यहाँ पे उसे काट के भक्तों में बांटा जा रहा है यार, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना गाइस, बिल्कुल भक्ति की लहर दौड़ उठी है। और श्रद्धालु यहाँ देखिए दर्शन कर रहे हैं अपना अपना। तो भक्तजनों हम भी लाइन में धक्का खा चुके हैं, हमें भी मिल चुका है धक्के।
फुलके खाने के बाद हमें टेस्टी सा प्रसाद मिला है। तो मजे लेते हैं प्रसाद के ना, बाकी भी दिखाऊंगा, अगर यही दिखाऊंगा तो ब्लॉग काफी लंबा चला जाएगा। यहाँ देखिए, और मेरे साथ यहाँ पे है अंकुश भाई, और यहाँ पे है हमारे नितिन जी भी, ये भी मुझे यहाँ पे मिले। पता नहीं कैसे पहली बार मंदिर में मिल रहे हैं, मुझे ऐसे तो यूजुअली बाहर में ही मिलते हैं। तो चलो यार, फाइनली शिव जी का प्रेम हमें खींच लाया यार, कुछ बोला अपार्ट फ्रॉम जोक्स अपार्ट ना भाई, शिव जी का प्यार हमें खींच लाया। और गाइस यार, एक भीड़ तो थी मंदिर में देखी आपने ना, और मंदिर के तुरंत बाद इतनी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, वहाँ पे रहते शिव जी के दर्शन यहाँ पे चलो चलो छोड़ो फिर, पर फिर भी यहाँ पे भी कुछ है खासम खास, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। यहाँ देखिए गोटे के लिए कितनी लाइन लगी है, वहाँ पे तो जैसे तैसे हमारा नंबर पड़ गया था ना, पर यहाँ तो असंभव, कुछ अंधेरा ही नजर आ रहा है कि मिलेगी भी बारी ना शाम तक। चलो देख देख के हम लोग मजे ले लेते हैं। बोलिए जी, मिट्टी के साइड में चैनल को सब्सक्राइब करना, आशीष ब्लॉग्स। अंकुश भाई आप भी बोलेंगे क्या? नहीं बोलूंगा, बोलो ना, ब्लॉग्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मेहनती लड़का है, मेहनती लड़का है, अच्छा काम करता है। तो गाइस यार, घोटा तो मिला नहीं, पर अंकुश भाई के लिए, ओ यहाँ देखिए हमारे भाई आते हुए, अब अंकुश भाई के लिए पजामा लेने आए हम लोग यहाँ पे। ये देखो प्रसाद की कौन मिल चुके हमें, कितने टाइम में आएगा सर आप बोलो, आपको कब चाहिए? आपसे सैटरडे को ही आएंगे सारे ब्लॉग सर, 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 सर कैसे हैं? तो आप क्या लेंगे जी, गोटा लेंगे की? गोटे का साइड बिजनेस भी इधर, 10 रुपए कप। नाइस यार, सारा दिन हो चुका है हमें घूमते घूमते देखो, और अब जाके हमें शाम को मतलब ये आलू मिले खाने को, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी थी यार, इसलिए हमने सोचा थोड़े से आलू खा लेते हैं ना। तो चलो आलू का मजा लेते हैं, और रात को देखते हैं, अगर मोहित बर्थडे पार्टी देगा तो जाएंगे पार्टी करने, अगर नहीं देगा तो फिर कहाँ ही जा पाएंगे। तो दिखाता रहूँगा आपको, तब आलू ही खाएंगे डिनर में, आलू खाएंगे। आलू खाने के बाद ना हम लोग आए थे चाय पीने, मैं तो चाय के साथ ले रहा हूँ क्रीम रोल, पर चाचा का बोला व्रत है बोहिमिया जी का हमारे, तो नहीं अब चाय कैसे पी रहे फिर व्रत में? चाय पी सकते हैं कुर्सियाँ, सच बताएं क्यों पी रहे हैं आप चाय? चाय पी सकते हैं। नहीं आप व्रत किसके नाम कर रखा, और किसके नाम, और कौन तोड़ेगा आपका व्रत, ये भी बताएं हमारी ऑडियंस को। तोड़ने वाली तो शाम को मेरा इंतजार कर रही है हड्डियाँ। चलो यार गाइस, चाय वाय पी लेते ना अभी, फिर से एक बार हमको फिर से एक राउंड मंदिर का लगाना है, वहाँ जाके बोला बोहिमिया जी को, अपना चाचा बोलता हूँ वैसे ना, आप भी इनको चाचा के नाम से फेमस कर दो, अब आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखने को मिलेंगे। तो कैलिफोर्निया के बंदे, सस्ता कैलिफोर्निया। तो गाइस यार चलो ना, मिलते मंदिर के वहाँ सीधे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भूतनाथ मंदिर में, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने भी भक्तजन हैं सभी लोग यहाँ पे शिव जी के नाम के भजन कर रहे हैं, और यहाँ पे आते ही चाचा ने अपना व्रत भी तोड़ा, और हम लोगों ने दर्शन भी किए, क्योंकि शाम के टाइम ना भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो लगे आता हमने दर्शन किए, और श्रद्धालु अभी भी दर्शन करे जा रहे हैं यहाँ पे। यार अभी मंदिर से तो हम लोग आ चुके हैं, और बाकी चाय वाय पीने भी गए थे, तो आज है मोहित का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहित। और अभी थोड़ा ना चिकन विकन बनाने का प्लान बना, इसलिए अपने आशु भाई काट रहे हैं अपना प्याज, और विनय, और ओह माय गॉड विनय पड़ रहा है गाइस। प्याज वगैरह कट के मेरे पास आ चुका है, और ये जो है टमाटर मैंने जो है कद्दूकश करके रख दिए हैं, और ये रहा चिकन अपना, तो फटाफट चिकन बनाते हैं ना, फिर मिलता हूँ आपसे ना। तो गाइस यार, रात को खाना बनाते बनाते हमें हो चुके थे 12:30, और खाते खाते तो लगभग 1 ही बज गए थे, और एक तो दिन भर घूम के, और घर से आपको पता है बजरी ढोके आया था यार, इतना थक चुका था घर से ही मैं तो। उसके बाद दिन भर घूमे, मंदिर में जाके शिव जी के दर्शन भी किए, शिवरात्रि को काफ़ी अच्छी तरह से मनाया, और तो काफ़ी टाइम हो गया था ना, मुझे नींद आ गई जैसे ही खाना खाया मैं, तो थोड़ी देर से रेस्ट करने बैठा था फ़ोन छेड़ने, फ़ोन हाथ में मैं सो गया था। तो फिर सुबह उठा तो मैंने सोचा यार व्लॉग एंड कर दूं, और अभी प्यारा सा व्लॉग आप लोगों के लिए एडिट करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। तो गाइज यार, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार गाइज, क्योंकि सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के एक सरप्राइज़ आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सभी से करवाएं भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार गाइज, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।